आज हम बनाएंगे सोया मोमोज। सोया मोमोज घर पे बनाने के लिए सबसे पहले जो न्यूट्रेला का सोया चंक्स आता है उसको लें, उसको गर्म पानी में बॉईल करके ऐसे मिक्सी में पीस लें। ये मैंने यहाँ पीस के रखा हुआ है, इसको जब गर्म पानी खोल जाए उसमें इसको डाल के बॉईल करके निकाल के इसको पीस लें। और कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब बारीक कटी हुई है यहाँ पे। उसके बाद मसाला में मैंने गरम मसाला लिया है एवरेस्ट का, और मेरे पास घर में ये पास्ता मसाला पड़ा था तो मैंने ये ले लिया है, ये जरूरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर यहाँ पे जो बेसिक मसाला है जिससे हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। आइए, ग्रेवी पे कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम सोया मोमोज की ग्रेवी तैयार करते हैं। पैन में ऑयल डालेंगे, तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अभी तेल गर्म हो रहा है, थोड़ा सा तेल खोल जाए, जैसे कि हम देख रहे हैं तेल खोल चुका है। इसमें सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे, लहसुन को हम हल्का लाइट ब्राउन करके अदरक डाल देंगे और इसको लाइट ब्राउन थोड़ा फ्राई हो जाए हल्का से, जैसा कि हम देख रहे हैं ये हल्का भूरा हो चुका है, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको हल्का फ्राई करना है। फिर इसमें हम ये पीसा हुआ सोया डालेंगे, मीडियम लो पे, बहुत ज़्यादा तेज आँच नहीं रखना है। अब इसमें मसाला डालेंगे, मिर्ची पाउडर, हल्का ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा पास्ता मसाला, बॉइल करना होता है स्टीम करके, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है।
अभी सोया मोमोज का ग्रेवी तैयार हो गया है, इसको मैंने भून के यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मैंने मैदा का छोटा छोटा पूरी देख के रख दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम पतला पतला पूरी मैदा पे छान के उसको इसमें हमने ग्रेवी बनाई। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मोमोज को हमने बना के रख दिया है। ये पानी को पहले फला लिया है, ये मोमोज बनाने वाला सीजन है, इसमें बहुत कुछ सीख रहे हैं। पानी फट चुका है, ये चीज़ें एक एक करके डाल दें और फिर इसको छक दें। ये आप देख रहे हैं डाल दें मोमोज, ये मोमोज को मैंने इसमें डाल दिए जिसको ढक के ढक के पका लेंगे। और ये मोमोज तैयार है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पका है। इसके साथ आप समोसे की चटनी है जो भी चटनी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो ये मैंने तैयार है गर्मा गर्मा में।